नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। गिर नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ पर पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। पूरे एशिया में एकमात्र गिर ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम लायन देख सकते हैं नेचुरल कंडीशंस में। गिर नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 13 रूट्स हैं। यहाँ पर जोन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर 13 रूट्स हैं, 13 अलग अलग रास्ते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। हमने इससे पहले भी कई सफारीज करी हैं गिर नेशनल पार्क की, और सभी जंगल सफारीज के दौरान हमें लायंस की काफ़ी हैरान कर देने वाली बम्पर साइटिंग हुई। तो चलिए, आइए हमारे साथ चलते हैं गिर जंगल में और लेते हैं लायन साइटिंग का लाइव एक्सपीरियंस। अभी जितने भी लायंस हम देखने वाले हैं, ये सभी हमने गिर जंगल की कई सफारीज के दौरान देखे हैं, और उन सभी को अब हम एक साथ इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। अभी जो हम लायन प्राइड देख रहे हैं, इसमें काफी सारे बच्चे और शेरनियां हैं। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में दो ही ऐसी मात्र जगह हैं जहां पर लायन प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। पहला तो अफ्रीका, दूसरा हमारे भारत के गिर जंगल में, जो कि गुजरात में स्थित है। लायन एक सामाजिक प्राणी है जो कि फैमिली बनाकर रहना पसंद करते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में कई सारे शेर एक साथ मिलकर रहते हैं। अधिकांश शेरनियां 4 वर्ष की उम्र से प्रजनन के योग्य हो जाती हैं, और एक मादा शेरनी एक बार में 1 से 5 शावक तक जन्म दे सकती है। सारे लोग जाने लग गए यहाँ से। हम यहाँ से पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से दूर चले गए। ये देखिए, सारी की सारी जितनी अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, इधर की तरफ लायन का मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे लायन को। अभी देखिए, लायन आ चुका है यहाँ पर, इसने रोरिंग स्टार्ट कर दिया है। हम थोड़ा सा और पास चलते हैं। ऐसा लग रहा है किसी को बुला रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अब जाके इसकी रोरिंग जो है वो शांत हुई है। बहुत स्ट्रांग रोरिंग करी काफ़ी देर तक, और ये देखिए अब ये उठ चुका है। काफ़ी बड़ा और मोटा सा लायन है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ये इंजर्ड है, इसको कहीं चोट लगी हुई है। इंजर्ड है ये लायन, इसको चलने में भी दिक्कत हो रही है। ये थोड़ा एजड भी है, काफ़ी एज है इसकी, और इसको इंजर्ड है, या तो किसी से फाइट के दौरान इसको इंजरी हुई है। बहुत पास में हम इसको देख पा रहे हैं। टूरिज्म वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब भी हम जंगल सफारी में जाते हैं या फिर फॉरेस्ट को विजिट करने जाते हैं, तो हमें कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं, और अगर किसी वाइल्ड एनिमल को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी जानकारी फॉरेस्ट अधिकारी को दे सकते हैं, ताकि वो उन जंगली जानवरों का, उन वाइल्ड एनिमल्स का ट्रीटमेंट करवा सकें। जिन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक्टिव है, वहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स अच्छे से फ्लरिश करते हैं, क्योंकि वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के वाइल्ड एनिमल्स के प्रति काफ़ी एक्टिव रहता है। अभी जो हम लायन देख रहे हैं, ये काफ़ी इंजर्ड है, इसे चोट लगी हुई है, और इसकी हालत देखते हुए अब यहाँ पर कुछ ही देर में वेटरनरी डॉक्टर आएंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक लायन जब रोर करता है तो उसकी दहाड़ काफी किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कुछ खा के आ रहा है, मांस वगैरह, मुंह लाल हो रहा है इसका। कहाँ पे पड़ा है किल? अच्छा, ओ, कोई किल किया उसने, लायन जा रहा है।
एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि लायन साइटिंग के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, क्या विंटर सीजन अच्छा है या समर सीजन अच्छा है। तो इसका आंसर है समर सीजन आर द बेस्ट फॉर लायन साइटिंग, यानी कि गर्मियों का जो सीजन है वो बेस्ट होता है लायन साइटिंग के लिए, क्योंकि इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि समर्स में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यानी कि सूखा पतझड़ी जंगल है, यानी कि यहाँ पर समर्स में जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। इससे क्या होता है, हम दूर तक का देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दूर तक का हम देख पा रहे हैं, और गर्मियों के दौरान अगर लायन वहाँ अंदर भी बैठा होगा तो हमें दूर से ही दिखाई दे जाएगा, लेकिन सर्दियों के दौरान जब पूरा जंगल हरा भरा होता है तो हम उसको इतनी आसानी से विजुलाइज नहीं कर पाते, लेकिन गर्मियों के दौरान बहुत दूर तक का विजन हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें लायन स्पॉट हुआ है, वहाँ पर वो पेड़ के पीछे, भैया थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लायन के दहाड़ने की आवाज आ रही है, लायन के रोर की आवाज आ रही है। अभी यहाँ पर हम एक लायन प्राइड देख रहे हैं जिसमें फिलहाल 2 शेरनियाँ और 5 शावक हैं। लायन लायनेस उनके कब्स, बहुत ही खूबसूरत सा सीन, लायन के बच्चे, जो 2 लायनेस हैं यहाँ पे बैठ गए हुए, तो ये बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, मम्मी उनके साथ खेल रहे हैं, वाह। और यहाँ पर देखिए हम काफ़ी दूर से देख रहे हैं इतनी सारी जिप्सी लग चुके हैं, ये देखिए साइटिंग करने के लिए बहुत सारी जिप्सी यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, देखिए ये है लायनेस मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये बच्चे ऊँचा ऊँचा कहीं गिरते हैं, हम जिस तरह से लायन साइटिंग हम कर रहे हैं उसी तरह से लायन साइटिंग आप भी कर सकते हैं गिर जंगल सफारी के दौरान। अब गिर जंगल सफारी आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ का कितना कॉस्ट होता है, ये सारी जानकारी हम कुछ ही देर में आपको प्रदान करेंगे। 5 कवर टोटल लायनेस हैं, शेरनी बैठी है पूरी की पूरी, देखिए अच्छा हाँ, ये देखिए ये लायनेस, वाह बहुत ही सुंदर सा सीन, 5 बच्चे हैं टोटल, छोटे छोटे 5 बच्चे, 2 फीमेल हैं, ये पानी के पास बैठी हुई हैं, वाह बहुत सुंदर सा सीन है, ऐसा सीन बहुत कम देखने मिलता है जब बच्चे भी दिख रहे हों, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, वाह छोटे छोटे बच्चे मासूम मासूम ये खेल रहे हैं अपने आप से आपसे, वाह ये देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, एक तो मदर के साथ गया, वाह वो मदर के साथ है, कितना छोटा बच्चा है वो। देखिए बहुत ही गजब की साइडिंग हुई है टाइगर, ये लायन के यहाँ पर, और लायन उठ गया है यहाँ पर उठ गया, लायन उठ गया है, देखिए ये देखिए लायन उठ गया और इधर ही आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है, वाह वाह इतना पास में आ रहा लायन, वाह हम बहुत क्लोज से देख रहे हैं इसको, बहुत क्लोज से देख रहे हैं इसको, बहुत ही क्लोज से देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही क्लोज से देख रहे हैं, ये लायन है, लायन जा रहे हैं यहाँ से उठ के, बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है इसका, ये देख ये एक और उठ गया लायन, ये दोनों जा रहे हैं यहाँ से, तो
वाह इतना पास से लायन देख रहे हैं हम, इतना पास से। एक तो ये जा रहा है बहुत पास में, एक थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। यहाँ दो लायंस हैं एक साथ चल रहे हैं, जो देखिए एक शेर या शेरनी एक दूसरे को रगड़कर अपनी गंध छोड़ते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। दो लायन आपस में पास में बैठे, वाओ। और दोनों के दोनों ये भाई है ना, हो सकते हैं ना, तभी तो दोनों साथ, हाँ तभी दोनों साथ में, नहीं तो ये लड़ते हैं आपस में टेरिटरी के चक्कर। एक कहीं जा रहा है, एक लेट गया है, एक और अंगड़ाई ले रहा है, एक तो लेट गया, ये भी बैठ गया। वाओ व्हाट्स अ सीन ऑफ लायंस वी वॉच टुगेदर। मेल लायन का वजन लगभग 200 से 250 किलो तक और मादा शेरनी का वजन लगभग 150 किलो तक होता है। मेल लायन की अपेक्षा शेरनियां अधिक चुस्त व फुर्तीली होती हैं। शिकार करते समय ये शिकार के बहुत करीब पहुंच जाती हैं और तेज छलांग के साथ शिकार को पकड़ने का प्रयास करती हैं। लायनस की औसत गर्भावस्था लगभग 110 दिनों की होती है। जन्म के समय शावकों की आंखें बंद होती हैं और लगभग एक सप्ताह बाद खुलती हैं। जन्म के समय शावकों का वजन लगभग 1 से 2 किलो तक होता है। शेर जंगल में लगभग 15 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। इसका कारण जंगल का संघर्ष, दूसरे शेरों का हमला, शिकार के समय घायल होना आदि बातें होती हैं। लेकिन यदि लायन को चिड़ियाघर या अन्य कैद में रखा जाए तो यह लगभग 20 से 25 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लायंस अपना अधिकतर शिकार रात्रि के समय करते हैं क्योंकि रात के समय लायंस के विजन पावर काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हम जानते हैं लायंस कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये बिल्ली प्रजाति के जीव हैं जिनकी रात में देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एक मेल लायन को एक दिन में लगभग 7 किलो मीट की आवश्यकता होती है, लेकिन वह 30 किलो तक मीट खा सकता है। लायंस खाने के बाद अधिकांश समय आराम करते हुए बिताते हैं। ये दिन के लगभग 20 घंटे निष्क्रिय रहते हैं। लायंस को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लायन एक रिस्पॉन्सिबल एनिमल है जो कि अपने प्राइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जंगल का नेतृत्व करता है और कहलाता है द लायन किंग। लायन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप इसको शेर बोलते हैं, इसको बब्बर शेर बोलते हैं, इसको लोकल लैंग्वेज में नाहर बोला जाता है, और इसको अगर बायोलॉजिकल तरीके से बोला जाए, बायोलॉजिकल नेम के तरीके से बोला जाए, तो इसका नाम है पैंथेरा लियो। देखिए गिर नेशनल पार्क में एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं मालधारी कम्युनिटी। यहाँ पर एक हट दिखाई दे रही है मालधारी कम्युनिटी की। ये वो लोग हैं जो कि इतने घने जंगल में शेर के बीच में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स के बीच में रहते हैं। ट्राइबल विलेज है जी, मालधारी लोग बोलते हैं, तारन रबारी गढ़वी लोग, उन लोगों का विलेज है। 4-5 भाइयों फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। और उनका जो बिजनेस रहता है ना, दूध का रहता है, वो ये सब काउ बकरी लोग उनके पास रहती है। अच्छा। और ये गिर नेशनल पार्क के अंदर का ही रहे? अंदर के रहते हैं। ऐसे जो पूरे गिर में 54 विलेज है, 54 पूरे गिर में, पूरे गिर में। और इन लोगों को बिल्कुल शेर से किसी से कोई डर नहीं लगता? शेर और लायन साथ में रहते, पता ही आपको। हाँ सही। लायन जैसे आदमी को, आदमी के ऊपर वैसे अटैक नहीं करता है। हाँ, जो कोई हम परेशान करेंगे ना। हाँ, हाँ, तो फिर। और ये सालों से यहीं से रह रहे राजाओं से, राजाओं के साथ टाइम से, जूनागढ़ का नवाब था ना। हाँ, तब से ये लोग रहे तब से। हाँ। और इनका मेन बिजनेस है दूध का। दूध का, सुबह शाम अमूल की गाड़ी आती है। अच्छा, दूध लेके चल यहाँ पर अंदर आती है और लेके चल जाते हैं। अंकल यहाँ पर भैंसे चला रहे हैं और यहाँ पर शेर भी घूमता है और यहाँ पैदल। नमस्ते अंकल,
नमस्ते, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, ये घर आपके ही है? हाँ। अच्छा अच्छा, आप ये भैंसे वगैरह सब आपके ही है? आप जी, आप ही है। अच्छा अच्छा, आप सालों से यहीं हैं? है? सालों से यहीं रहते हैं? वर्षों से यहीं रहे हैं। हाँ, वर्षों वर्षों से। शेयर वेयर का डर नहीं लगता आपको? ना, ना। अंकल आप यहीं रहते हैं? है? यहीं पे वहाँ जंगल में? आपको शेर से डर नहीं लगता? नहीं नहीं, तो जंगल में राजा। अरे आपके घरों में भी आ जाता होगा? अरे और बिल्कुल डर नहीं लगता? अच्छा, राजा सेना से डर लगे। अच्छा, मगरमच्छ के जीव हाल है। अच्छा, बिल्कुल डर नहीं लगता? आप ऐसे रोज आते जाते हैं जंगल से बाहर? आ और रास्ते में शेर भी मिल जाते होंगे? हाँ, तो फिर क्या है, आप पे अटैक नहीं करते? साइड में से चले जाते हैं? अच्छा, और आपकी वो गाय भैंसे ऐसे ही चराते हैं आप नॉर्मली? तो उनको शेर नहीं मारता? अच्छा 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 अच्छा, अकेला रह गया तो मारेगा, नहीं तो झुंड में नहीं मारेगा? अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। जंगल सफारी के दौरान हमने ये जाना कि वाइल्ड एनिमल्स बिना किसी वजह किसी पर हमला नहीं करते, वह हमारे इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ है तो जंगल है, जंगल है तो हम, एक्चुअली वी आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर एंड मेकिंग अ बैलेंस। तो इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें जंगल और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए। देखिए, गिर नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट बुकिंग करानी होती है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारी जानकारी प्रोवाइड की है, और पिछली कई सफारी जो कि हमने गिर नेशनल पार्क की करी उसमें भी हमने काफ़ी जानकारी इसके बारे में दी है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस डॉक्यूमेंट्री में नए हैं, तो आपके लिए शॉर्ट में मैं आपके बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट से किया जाता है। उसका 800 रुपीज़ चार्ज होता है, 800 रुपीज़ फॉर द होल जिप्सी, यानी कि पूरी जिप्सी का एक साथ परमिट निकलता है जिसका चार्ज होता है 800 रुपये। इसमें एक जिप्सी में 6 लोग बैठते हैं। अगर आप एक जने भी जाते हैं या 6 जने भी जाते हैं, परमिट का चार्ज आपको 800 रुपये ही देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर परमिट निकाल लिया है ऑनलाइन बुक करके। अब हम आए हैं सिंह सदन शासन गिर, जो कि गुजरात में स्थित है। ये है गिर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस। यहाँ पर देखिए आप, पीछे काफ़ी सारे लोगों का क्राउड है जो कि यहाँ पर इस तरह से जो ऑनलाइन परमिट है उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर एडिशनल फीस और देनी पड़ती है। 800 रुपीज़ इज़ नॉट द चार्ज फॉर द सफारी, और भी एडिशनल चार्ज है जो कि जिप्सी चार्ज और गाइड चार्ज यहाँ पर इंक्लूड होता है। 2000 रुपये यानी कि 2000 रुपीज़ फॉर द जिप्सी एंड 400 रुपीज़ 400 रुपये फॉर द गाइड, मतलब 2400 रुपये आपको 800 रुपये के अलावा देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के हो गए 3200 रुपये, 3200 रुपीज़ आपको यहाँ पर टोटल एक सफारी का कॉस्ट पड़ता है। चाहे आप एक आदमी आए, चाहे आप 6 आदमी आए, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर 6 आदमी आते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो अच्छा पड़ेगा। यहाँ पर किसी तरह का शेयरिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री लायन इन गिर नेशनल पार्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।